गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज M3 मिसलिनियस के एक बहुत ही शानदार सेशन में। 5 वीक का, 5 हफ्तों का ये जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही डिटेल में डिज़ाइन किया है, जिसमें आप लोगों को 3 कोर्सेज आने वाले 5 हफ्ते में यहीं पर आपके यूट्यूब चैनल वर्चुअस पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से उसके बारे में बात करेंगे, देन आज के सेशन पर आएंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे भी जुड़े हैं जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चले, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर आपके यूट्यूब चैनल पर ये सभी कोर्सेज रहने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं M3 2022 मिसलिनियस के बारे में, जहाँ पर मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पे 5 मिसलिनियस के सेट्स हम बनाएंगे, जिनमें हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को कवर करेंगे। देन शाम को 5 बजे आपके RRB PO Pre-2022 का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रहेगी 5 PM पे विद टाइमर। कोशिश ये रहेगी कि लेवल तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, बट एक स्पीड अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तभी अपने टाइमर के साथ 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे पर सेशन, मंडे टू फ्राइडे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर आपकी यूट्यूब चैनल। एंड फाइनली जो तीसरा हमारा कोर्स है वो है M3 2022 पजल सीरीज। इस साल पहली बार पजल की सीरीज आपको देखने को मिलेगी, मेंस लेवल पजल की सीरीज आपके यूट्यूब चैनल पे। शाम को 7:30 बजे एक क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे। 3 सेट्स डेली हम पर सेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स कवर करेंगे। RRBPO मीन्स क्लर्क मीन्स, जिसमें SBA एंड IBPS क्लर्क मीन्स, एंड ऑल्सो PO मीन्स लेवल। ठीक है जी, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे सैटरडे को एक कंप्लीट मॉक, 30 क्वेश्चंस का एक मॉक मैं आप लोगों के लिए तैयार करूंगा बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स। जैसे एक मॉक अपने RRBPO मीन्स लेवल का रख लेंगे, एक अपने SBI या IBPS क्लर्क मीन्स का रख लेंगे, और एक PO मीन्स का रख लेंगे। इस तरह से 5 30 क्वेश्चंस के मॉक्स मैं आपको सैटरडे को करवाऊंगा, सुबह 11:30 बजे ये आपका सेशन रहेगा। और संडे को अपने सुबह 11:30 बजे लेट्स टॉक नाम से एक सेशन रखेंगे, जहां पर आप लोगों की क्वेरीज रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग प्रिपरेशन या अदरवाइज जो जो चीज़ें मुझे शेयर करनी रहेगी, आपके जो जो डाउट्स होंगे वहां पर क्लियर किए जाएंगे। तो आई होप आप सभी एक्साइटेड है, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन आने वाले 5 हफ्ते के लिए। और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये 5 वीक की जो प्रोग्राम है, ये 5 वीक की जो क्लासेस है, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो प्री में हो चाहे मेंस में हो, एक स्ट्रांग सब्जेक्ट बन के निकलेगा और आपकी प्रिपरेशन जरूर जरूर नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। सेलेक्टेड लेवल वाली प्रिपरेशन आप लोगों की यहाँ पर होगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करें, उससे पहले मैं बता देता हूँ आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट एक बार देख लेते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर M3 का मतलब क्या है। M3 का मतलब है यार मेगा मैराथन मीन्स। ये 2021 में मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, तो उसी से नाम आ रहा है। ठीक है जी, और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि सर क्या हमारी पुरानी क्लासेस अटेंड करना जरूरी है इन क्लासेस को फॉलो करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रैक्टिस कोर्स है और हर सवाल अपने डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली जो क्लासेस है आपको कंप्लीट तो करनी है, बट मैंडेटरी नहीं है कि पिछली क्लास देखने के बाद ही आप ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन पे आ जाते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले अपने कोडेड डायरेक्शन का एक सेट निकालेंगे, देन फैमिली ट्री ब्लड रिलेशन का एक शॉर्ट सेट रहेगा, सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कॉलम बेस्ड कोडिंग देखेंगे, और फाइनली हम एंड करेंगे मशीन इनपुट आउटपुट के साथ। एक कंप्लीट सेशन रहने वाला है, जिसमें आई थिंक टोटल 18 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी चेक एक बार, मैं फटाफट से देख लेता हूँ। 9 5 14 4, हाँ जी, टोटल 18 क्वेश्चंस आज आपके पास हैं। 18 क्वेश्चंस में टारगेट आपका है 18 आउट ऑफ 18 का, 18 आउट ऑफ 18 का टारगेट लेके पूरा का पूरा सेशन आपको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए और ज्यादा देरी नहीं करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और 100% एफर्ट डालना है यार। आप लोग 100% एफर्ट डालोगे तभी 100% रिजल्ट मिलेगा, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का पहला सेट आप लोगों के सामने है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी से इसको बना लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस पे अपने 3 क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 3 क्वेश्चंस का यहां पर आपको वेटेज मिलने वाला है, तो फटाफट फटाफट कंप्लीट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। जैसे ही डन हो जाए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा डन, देन इस पे देखेंगे क्वेश्चंस। बनाइए
हाँ जी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? बिल्कुल 100% आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको दिया जाएगा, अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा क्लास के जस्ट पर। अतुल हिंदी में भी रहेगा यार, हिंदी में भी रहेगा। इसमें मुझे लगा हिंदी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सभी क्वेश्चंस जहाँ पर लैंग्वेज ज़्यादा है वहाँ पर हिंदी में भी रहेगा। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का मैंने सोचा क्या है? इसमें तो आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं, है ना। चलो इस पे क्वेश्चंस देखें एक बार फटाफट से, सभी ने बनाई लिया ऑलरेडी, है ना। कुछ सवाल एक बार जल्दी से देख लेते हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस यहाँ पर है, 3 मार्क्स का वेटेज। कितने मार्क्स का सर? टोटल 3 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज है। कंप्लीट कर लीजिए, बताइए अपना आंसर, देन देखेंगे हम डिटेल्ड सॉल्यूशन। बताइए। हाँ जी, ऑलरेडी आंसर्स आना स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी बाकी दोनों क्वेश्चंस के भी आंसर दीजिए, देन देखेंगे डिटेल सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे वो इश्यू नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले अटेम्प्ट में ही बने, ठीक है। हाँ जी गाइस, देखें एक बार जल्दी से फटाफट सॉल्यूशन एक बार देख लें। कोई टेंशन नहीं अमित, फर्स्ट क्लास है, नो वरीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट, कंप्लीट करें इसको एक बार जल्दी से देख लें क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, ये जो टाइप है ना, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली आस टाइप है कि भाई ब्रैकेट में कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है और उससे आपके आगे वाले डिस्टेंस का रिलेशन रहता है। तो सबसे पहला टारगेट तो है कि भाई इन दोनों में ये ब्रैकेट वाली वैल्यू और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन फिगर आउट करना। तो नॉर्मल अपने प्लस माइनस देखते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज रहती है, वो चेक करते हो तो आपको पता चलता है ब्रैकेट वाली वैल्यू में +12 करना पर आ रहा है, सेकेंड के देखो तो +12 करने पर आ रहा है, थर्ड का देखो तो भी +12 पे आ रहा है, और फोर्थ का भी देखो तो भी +12 पे आ रहा है। तो यार यहाँ पर तो पैटर्न सीधा ही फिगर आउट आ गया, कंसिस्टेंट एक +12 का पैटर्न निकल रहा है, तो सर उसमें बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं हुआ। बाकी अब दो सिंबल यूज किए जाएं तो उसका मतलब भी समझा दिया कि भाई एट द रेट का मतलब आपका साउथ है और ब्रैकेट का मतलब आपका ईस्ट है, तो दोनों को एक साथ यूज कर ले तो साउथ ईस्ट आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये भी बड़ा सिंपल हो गया।
अब अपने डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, और डायग्राम बनाते टाइम खास ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो जल्दबाजी के चक्कर, क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स है, इनमें नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। अब वी एक्सक्लेमेशन जे बोला है 8 + 12 आपका 20 मीटर, तो ये आ गया। एक्सक्लेमेशन का मतलब वेस्ट है, इसका मतलब जे के वेस्ट में आपको वी मिल जाएगा, और कितने मीटर्स पर है सर, 20 मीटर्स पर। अब देन सर इससे कनेक्टेड इंफॉर्मेशन देखी तो ये जे परसेंटेज डब्ल्यू, 28 + 12 का मतलब क्या हुआ, 40 मीटर का है सर। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब नॉर्थ, जे नॉर्थ में है, कितना मीटर नॉर्थ में है सर, 40 मीटर नॉर्थ में बता रखा है डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू यहां पर से। अब डब्ल्यू एक्सक्लेमेशन 26 और 12 आपका कितना आ गया सर, 38 मीटर आ चुका है। एक्सक्लेमेशन का मतलब सर वेस्ट है, W कहां पर है, वेस्ट में है, कितना वेस्ट में है सर, 38 मीटर। तो यहां तक तो सर आपका 20 मीटर हो गया, और 18 मीटर और चले जाओगे तो आपको O मिल जाएगा, डन है सर। O एट द रेट 18 और 12 कितना हो गया सर, 30 मीटर यहां पर आ गया। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब साउथ है, O कहां पर है, साउथ में है। अच्छा उल्टा कर दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, ये बड़ा परेशानी का सबक रहता है, एक मिनट। वी आपका वेस्ट में है और जे आपका ईस्ट में, अब जे से कनेक्टिंग बनाना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ जी, ये अपना चला गया 40 मीटर, यहाँ पर आ गया W, W से आपने बोला W एक्सक्लेमेशन O का मतलब था आपका, W कहाँ पर है, वेस्ट में है, O के जे परसेंटेज W, जे परसेंटेज जे नॉर्थ में है, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल डन है। अब इसके बाद W एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मतलब सर वेस्ट हो गया, W आपका वेस्ट में है, ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर आपका 38 मीटर पे, 38 मीटर पे यहाँ पर अपने रख देते हैं O, रख देते हैं, देन O एट द रेट 30 मीटर, एट द रेट का मतलब सर साउथ हो गया, कितना मीटर है सर, 30 मीटर बता रखा है Z तक, तो ये साउथ में हो गया 30 मीटर, और बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस है ये आपका 10 मीटर आ गया, राइट, ठीक है जी। Z ब्रैकेट Y है, ब्रैकेट का अर्थ है ईस्ट में, 20 + 12 कितना हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा, 32 मीटर्स आ गया। अब ब्रैकेट का मतलब ईस्ट में है, Z कहां पर, ईस्ट में बताया जा रहा है, कितना ईस्ट में बताया जा रहा है, 32 मीटर्स, ठीक है सर, तो आपका Z ईस्ट में आ गया, Y इसके वेस्ट में आ जाएगा, ये आपका 32 मीटर्स हो जाएगा, और ये आपका 6 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है जी। Y परसेंटेज L 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब क्या है, नॉर्थ है, Y कहां पर है, नॉर्थ में है, कितना, 20 मीटर नॉर्थ में है, 20 मीटर नॉर्थ में है L से, बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बच गया, और कोई डिस्टेंस सर, और कोई डिस्टेंस बची, और कोई एक्सप्रेशन हमारे पास बचा है सर, सारे एक्सप्रेशन आई थिंक कंप्लीट अपने ने कर लिए है ना। अब सर बारी बारी से अपने को क्वेश्चन देखना है कि क्या क्या पूछ रखा है। V का डायरेक्शन, V इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट Z, Z से देखें तो V कहां पर दिखाई देगा, Z से अगर आप देखेंगे तो V आपको नॉर्थ वेस्ट में दिखाई देगा, कौन सी डायरेक्शन है सर, नॉर्थ वेस्ट आपकी डायरेक्शन आ रही, तो सर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे सर, नॉर्थ के लिए परसेंटेज, वेस्ट के लिए एक्सक्लेमेशन, परसेंटेज एक्सक्लेमेशन कहां पर दिखाई दे रहा है सर, परसेंटेज एक्सक्लेमेशन कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, दिस इज डन। अब सर बोला है एच परसेंटेज एल 18 + 12 कितना हो गया सर, 30 मीटर हो गया, परसेंटेज का मतलब नॉर्थ था, एच 30 मीटर नॉर्थ में है एल से, एच कितना मीटर है सर, 30 मीटर, तो 30 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा, एक बार इंक चेंज करते हैं सर, 20 मीटर तो आपका यही हो गया, इसमें 10 मीटर और जोड़ दोगे तो आपका कौन आ जाएगा, H, मतलब बिल्कुल J के बराबर, बिल्कुल J के बराबर। अब सर निकालना क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Z एंड H, Z और H के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी, तो सर Z ये रहा, H ये रहा, ये डिस्टेंस है 32, ये डिस्टेंस है 10,
तो बेसिकली 32 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, 32 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, टोटल कितना आ जाएगा सर? टोटल आपके पास 1124 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है? 1024 और 100, 1124 आ जाएगा। 1124 को आप फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल क्या निकलेगी सर? फाइनल आपकी सबसे सिंप्लीफाइड वैल्यू निकलेगी 2√281। तो ये जिन बच्चों का आंसर आया है उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शंस में हमेशा याद रखिएगा कि सबसे सिंप्लीफाइड वैल्यू दी जाती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई वैल्यू दी जाएगी जिसे फर्दर आप फैक्टराइज कर सकते हैं या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया जाता है। तो ये आपका आंसर। देन दिया हुआ है सर सी ब्रैकेट जे 26, 26 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 38 मीटर हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब क्या है? ब्रैकेट का मतलब ईस्ट में है, तो सी 38 मीटर ईस्ट में है जे से, तो जे सर ये रहा 38 मीटर का मतलब सर, 38 मीटर का मतलब सर सी आपका यहां पर आ जाएगा जेड और ओ की लाइन में, बिल्कुल सर 38 मीटर से ये बन रहा है। अब सर निकालना क्या है? अब सर हमें निकालना है ओ इज इन विच डायरेक्शन ऑफ सी एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड, तो सी और ओ के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस है सर 40 मीटर का, तो 40 मीटर तो क्या आ जाएगा सर? डिस्टेंस आ जाएगा। और डायरेक्शन पूछे तो ओ कौन सी डायरेक्शन में है सी से? सर साउथ में दिखाई दे रहा है। कौन सी डायरेक्शन है? साउथ में दिखाई दे रहा है। तो इनमें से ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो साउथ बता रहा है और साथ ही साथ आपको 40 मीटर डिस्टेंस दे रहा है? 40 मीटर डिस्टेंस मतलब ब्रैकेट में वैल्यू कितनी हो जाएगी? -12 कर दो, कितनी आ जाएगी सर? 28 मीटर आ जाएगी। 28 ब्रैकेट वाली वैल्यू आ जाएगी। साउथ का मतलब हुआ तो सर ओ और सी के बीच में कौन सा आ जाएगा सर एक्सप्रेशन साउथ के लिए? साउथ के लिए सर एट द रेट का आ जाएगा, तो ओ एट द रेट सी ब्रैकेट में 28, ऐसा कहीं पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल सर ऐसा हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके 3 मार्क्स एकदम पक्के। डन गाइस, बड़े आ गए, तीनों के तीनों मार्क्स अचीव कर लिए। चलो सर अब एक छोटा सा ब्लड रिलेशन का सवाल है, एक शॉर्ट इस तरह के फैमिली ट्री बेस्ड सवाल बड़े पूछे जाते हैं, स्पेशली आपके जैसे RRB PU मीन्स के एग्जाम है या इवन SBI क्लर्क मीन्स के जो एग्जाम है ना, उनमें इस तरह का सेट जरूर डाला जाता है जो प्री से थोड़ा सा बड़ा होता है, कुछ लाइनें ज्यादा होती है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बट बहुत ही डुएबल रहता है। तो इसे जल्दी से कंप्लीट कर लो, इस पे भी 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है? बनाइए। विकास यार अभी तो अपने क्लास स्पेसिफिक ही रखते हैं चीज़ों को क्लास स्पेसिफिक ही रखते हैं। बाकी अपने संडे को जो सेशन मैंने अलग से रखा है ना लेट्स टॉक वाला, वो इन्हीं चीज़ों के लिए रखा है कि मिसलिनियस प्रिपरेशन रिगार्डिंग या सोर्सेज कहाँ से पढ़ा जाए, क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या क्लासेस फॉलो की जाए, या फिर इन जनरल जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उन सारों पर फोकस किया जाए कैसे। उसी के लिए संडे को सुबह 11:30 बजे क्लासेस रहेंगी। बाकी अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपकी क्वेरी का ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ये मेरी टेलीग्राम आईडी, ठीक है गाइज? कंप्लीट कीजिए, याद रखिएगा यहाँ पर 3 क्वेश्चंस का वेटेज आपको मिलने वाला है। बनाइए।
हाँ जी गाइस, देख लें एक बार जल्दी से, सभी ने बना लिया। चलो, तीन क्वेश्चंस का वेटेज है, 3 मार्क्स यहां पर अचीव करने के लिए आप लोगों के पास, तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए गाइस, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में अगर नंबर कट गए ना तो फिर सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो डुएबल वाला पार्ट तो सर सारा का सारा हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए, और सही अटेम्प्ट होना चाहिए। चलो जल्दी से बना के। हाँ जी गैस, देख लें। अच्छा, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हो ना जिनका गिवन टाइम पे नहीं बन पाता है, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से वहीं पर पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके जैसा चाहो वैसा आप अटेम्प्ट अपना दे सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं। ठीक है, तो इसको लेके कभी परेशान मत होना, क्योंकि अपना एक लाइव क्लास है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत टाइम दे पाऊँ, नहीं तो आप लोगों का ही टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा आप खुद से ध्यान रखिएगा। चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन, एक बार फटाफट से देख लेते हैं, अभी देखते हैं भव्य। जिन जिन बच्चों से नहीं बनाना तो एक बार ध्यान जरूर देना यार कि मैंने सवाल कैसे बनाया, किन किन चीजों का ध्यान दिया। ठीक है, इन चीजों पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आई एम श्योर कि आपको इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। ए टू जे आपके पास कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। जनरेशन कितनी है? तो इन सारी बातों का ध्यान रखा करो। जनरली ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जब कई बार ट्रिकी सवाल आते हैं और कई बार ऐसे सवाल होते हैं जिनसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिल पाता, उनमें ये सब इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई 3 जनरेशन का अपना स्ट्रक्चर है, देर आर 4 मैरिड कपल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया 4 तो आपके सीधे मैरिड कपल ही आ गए, टोटल बंदे कितने थे आप बताओ मुझे? सर टोटल हमारे पास 10 बंदे थे, 10 में से जो 4 तो मैरिड कपल आ गए, 4 मैरिड कपल आ गए, तो 8 पर्सन्स तो ऐसे ही हो गए, 8 पर्सन्स तो अपने सीधे सीधे ऐसे ही हो जाएंगे। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। अब इंफॉर्मेशन देखते हैं। सी हैज वन नेफ्यू, सी के पास क्या है? एक ही नेफ्यू है, याद रख रिया याद रखना, वन नेफ्यू। ठीक है जी। जे इज अ मेल मेंबर, जे क्या है? एक मेल मेंबर है, नोटेड सर। डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। अब देखो सिस्टर इन लॉ दो दो तरीकों से होता है, तो सीधा अभी रिलेशन मत रखना, एस आई एल लिख के छोड़ देना। डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। अब सिस्टर इन लॉ है तो ये माइनस हो जाएगी, ये भी लिख लो। अब इसके बाद क्या बोल दिया कि सर जी और ई क्या है? सिबलिंग्स। अब यार जी और ई सिबलिंग्स है, डी सिस्टर इन लॉ ऑफ ई है, तो क्या मन क्या कर रहा है, कैसे सेट किया जाए इन दोनों को, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाए? कुछ दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसा मन तो कर रहा है कि जी और ई जो आपने सिबलिंग्स बनाई है इनको सिबलिंग्स तो बना दूं, फिर उसके बाद जी की शादी किससे करवा दूं? सर डी से करवा दूं, ये माइनस आ जाए ये प्लस आ जाए, क्या बोलते हो? ये सभी ने किया कि नहीं किया एक बार जल्दी से बता दो, ये सभी ने किया कि नहीं किया, क्योंकि ये अपना करना बड़ा जरूरी है। ठीक है सर, ये जैसे ही आपका डन हुआ उसके बाद आगे चीजें देखिए। सर एच क्या है? कजिन है एफ के। अरे भाई एच अगर एफ के कजिन है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ एच और एफ का जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो क्या है? सेम रहेगी, सामान्य रहेगी। तो इस तरह से नोट करके सर रख लिया। ठीक है जी। और बी हैज 2 ग्रैंड चिल्ड्रन बट डज नॉट हैव ए ग्रैंडसन। बी के कितने ग्रैंड चिल्ड्रन है? सर बी के 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो इससे पता क्या चला? सर इससे ये पता चला कि बी आपका सबसे पहले वाले जनरेशन में आएगा, ये पता चल गया। और सर पहले जनरेशन के बाद अब मुझे ये नहीं पता कि एक ही संतान से वो दोनों बच्चे आ रहे हैं, 2 संतान से एक अलग अलग बच्चे आ रहे, ये तो नहीं पता ना। बस ये जरूर पता चल गया कि सर ये जो 2 ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे इनमें से कोई भी ग्रैंडसन नहीं है। इसका मतलब दोनों क्या होगी? सर दोनों की दोनों आपकी ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी। एग्री करते हो इस बात से? इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते? ठीक है जी, बिल्कुल हो जाएंगी। अब ये दोनों भाई बहन, ये दोनों बहनें हो कोई जरूरी नहीं, ये दोनों कजिन भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? जैसे ऐसा हो जाए कि यार बी की 2 संतान आ जाए, एक बेटी यहां से आ जाए एक बेटी यहां से आ जाए, ये हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सर सिर्फ एक ही संतान हो और उसी से दोनों बेटी आ रही, ये भी हो सकता है। ठीक है,
तो इसका अपने अभी कोई क्रॉस अपने कंफर्म्ड नहीं है, तो नॉर्मल लिख के रख लेते हैं सिर्फ इतना, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है जी, अब और क्या बातें बता रखी है सर? और दे रखा है सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। सी क्या है? सिस्टर इन लॉ है बी की, और सी क्या है? आंट है किनकी? ई की। आंट है तो ये लिख दीजिए। अब सिस्टर इन लॉ है तो ये आपका क्लियर कट यहां पर बी सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और बी का सर जनरेशन नंबर 1 था, तो ये जनरेशन नंबर 2 आएगा, और इनके नीचे एक जनरेशन और आने वाली है। बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे? बिल्कुल सर, 100% मान रहे। अब सी क्या थी? आंट थी सर ई की। किनकी आंट थी सर? ई की आंट थी। तो ई के कोई ना कोई पेरेंट है, और उन पेरेंट के आपके यहां पर सी आ रहा है। ऐसे ही सेटिंग बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, एक बार जल्दी से बता दो। यही अरेंजमेंट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? बिल्कुल सर, 100% यही अरेंजमेंट बैठ रहा है जो आपने बनाया। अब सर और क्या दे रखा था? सर और दिया हुआ था आई इज द फादर इन लॉ ऑफ एच मदर। भाई एच की कोई माँ है, और उन माँ के जो फादर इन लॉ है मतलब ससुर है, वो आई है। तो ससुर मतलब इनके कोई हस्बैंड होंगे, उन हस्बैंड के जो पिता हैं वो कौन है? आई आ रहे। अब ये तीन जनरेशन बन गई कि नहीं बन गई, एक बार जल्दी से बता दो यार। अब ये तीन जनरेशन आपकी, ये जनरेशन 1 थी, ये जनरेशन 2 थी, और इनके नीचे एक तीसरी जनरेशन भी आएगी, आप अग्री करोगे? आपने ही बोला था कि सर बी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और नीचे एक तीसरी जनरेशन होगी। अब इस आई को इस डायग्राम में आप सेट नहीं कर सकते। ये आई की जगह आपको कहां पर दिखाई दे रही है? ये सी बी डी जी ई में बहुत क्लियर कट दिखाई दे रही है सर। ये जो जगह है बी का, जो स्पाउस मतलब या तो बी का हस्बैंड या वाइफ के लिए जगह, यहां पर खाली मिल रही है। यहां पर क्या कर दें सर? आई को सेट कर दें, तो ये प्लस और ये माइनस परफेक्टली सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इनके आपको बेटा चाहिए था, वो बेटा भी मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, सच्ची बताओ? अब इनके भी फर्दर एच, इनकी संतान आ रही है, ये मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल सर, ये भी सेट हो गया। अब बी इज अ फीमेल, आगे बताएं, इससे पहले ई इज मैरिड टू बी सन इन लॉ। बी का जो सन इन लॉ है उससे ई की शादी हुई है, मतलब ई भी मैरिड है और बी का कोई सन इन लॉ, मतलब ये प्लस है और ये क्या आ जाएंगे? माइनस आ जाएंगे। आगे कि नहीं आगे? बिल्कुल सर, 100% आगे। अब बी इज डज नॉट हैव एनी ब्रदर, कोई ब्रदर नहीं है, तो बिल्कुल अपने ने सी तो उस तरफ रखा था, कोई टेंशन। ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जीज फादर, जी के जो फादर हैं उनके ब्रदर इन लॉ कौन है? ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जीज फादर, तो ए ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब ए इस तरफ आ जाएंगे। एक बार फिर से समझे इस बात को, ए इज दी ब्रदर इन लॉ ऑफ जीज फादर। जी के फादर कौन आ गए? जी के फादर सर ये आई आ गए। अब इनके ब्रदर इन लॉ कैसे बन सकते हैं? दो तरीके हैं सर, दो तरीके इनके ब्रदर इन लॉ बनने के, या तो बी का भाई आ जाए ए, बट अभी अभी हमें बोला था कि सर बी डज नॉट हैव एनी ब्रदर, बी के कोई भाई नहीं है सर, बी के कोई भाई नहीं है, तो बी के तरफ से तो वो ब्रदर इन लॉ आ नहीं सकता। अब बी के तरफ से ब्रदर इन लॉ नहीं आ सकता, तो फिर किसकी तरफ से आएगा सर? इसकी जो बहन है उसकी तरफ से आएगा, कि इसके बहन के जो पति हो जाएंगे, जो जीजा जी हो जाएंगे, वो ए बन जाए तो भी हो जाएगा। ठीक है सर, तो दिस इज डन। अब सर और क्या चीज बच गई? एफ इज द डॉटर ऑफ जीज ब्रदर इन लॉ। अब जी के ब्रदर इन लॉ ये रहे, और इनकी डॉटर किसे बता दिया सर? इनकी डॉटर आपने एफ को बता दिया। अब सर एच और एफ क्या थे? कजिन थे कि नहीं थे? एक बार जल्दी से बता दो। तो सर एच और एफ कजिन थे, तो कजिन कैसे बन सकता है कि भैया डी और जी की संतान कौन बन जाए? एच बन जाए। बढ़िया सर। अब बी का अगर आपको याद हो तो कि बी के कोई ग्रैंडसन नहीं है, दो ग्रैंड डॉटर होंगी, एक ग्रैंड डॉटर तो एफ होगी, दूसरी ग्रैंड डॉटर कौन सी हो जाएंगी? दूसरी ग्रैंड डॉटर सर एच हो जाएंगी। और इसी के साथ अपना डायग्राम कंप्लीट। अब ये मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया, आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर बच्चों को इतना डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि ये सवाल बड़ा बेसिक सा सवाल है, बहुत ही आराम से कनेक्ट हो रहा है। बट जिन बच्चों को इश्यू आता है कि सर कैसे देखा जाए, उनके लिए सारी चीजें लिख लिख के, अब देखो चारों के चारों मैरिड कपल आ रखे हैं, चारों आपकी तीन जनरेशन आ रखी है, सारी बातें डन है सर, है ना? अब बचा कौन सा है सर? अब इसमें सर आपके पास ये जगह खाली रहेगी, तो यहां पर आप बचा हुआ जी रख दो, ये आपका डायग्राम कंप्लीट, और आंसर्स तो आराम से मजे से। क्यों बढ़े आगे या क्वेश्चंस देखने? चलो अब एक बार जल्दी से, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी? बी का रिलेशन क्या है डी के रिस्पेक्ट में? तो बी सर सास आ जाएंगी, सास मतलब मदर इन लॉ, ऑप्शन बी। हु इज द वाइफ ऑफ आई सन इन लॉ? तो आई के सबसे पहले सन इन लॉ ढूंढो। आई के सन इन लॉ कौन है सर? आई के सन इन लॉ आपके आगे जे। अब जे के लिए क्या चाहिए?
हु इज दी वाइफ ऑफ जे, आई के सन इन लॉ कौन है, जे है, हु इज दी वाइफ ऑफ जे, जे की वाइफ कौन हो जाएंगी, जी के जे की वाइफ सर ये ई होगी, बात ही खत्म, ऑप्शन ए ई आपने आंसर दे दिया। हु बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन के बंदे कौन है, ए सी आई बी, ये रही सर फर्स्ट जनरेशन, ए सी आई बी कहां पर दिखाई दे रहा है, ये रहा सर ऑप्शन नंबर डी, और तीनों के तीनों मार्क्स मेरे डन, बड़े आराम से ले गया सर मैं, एक ही अटेम्प्ट में निकाला, ज्यादा समय भी नहीं लिया, कोई गलती भी नहीं, ठीक है। अब अपने पांच सिलॉक के क्वेश्चन करेंगे सर, पांच सिलॉक्स के क्वेश्चन करेंगे, कोई टेंशन की बात, ठीक है। आकाश कभी भी टाइम का मत सोचा करो यार, ये टाइम और ये जो फैक्टर्स है ना, जो मेंस के आसान मेंस के जो इजी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें टाइम का इतना मैटर करता है, जैसे आरआरबी क्लर्क मेंस का आप एग्जाम दोगे उनके लिए, या इवन आरआरबी पीओ मेंस के भी कुछ इजियर पार्ट है उनके लिए, बाकी जो ठीक सवाल होते हैं या अच्छे मेंस के एग्जाम होते हैं उनमें टाइम मैटर नहीं करता, उनमें मैटर करता है आपका अटेम्प्ट, और क्वेश्चन जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो अटेम्प्ट दे रहे हो वो एक अटेम्प्ट में ही बने, क्योंकि एक अटेम्प्ट से ज्यादा लग जाएगा ना तो फिर अगले अटेम्प्ट में उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती, और भी प्रेशर दिमाग में आने लग जाते हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में बना नहीं, टाइम लगातार कम हो रहा है, समझ रहे हैं आप, तो टाइम का मत सोचा करो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ यार, मेरे को आंसर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंसर देना, याद रखना एक मार्क का वेटेज है, गलत करोगे तो कितने कटेंगे सर, 0.25 माइनस हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा 0.25, याद रखना, गलत दिया तो -2.5 भी है। चलो लेट्स स्टार्ट सर, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है किसी भी मेंस के सवाल का सर, क्वेश्चन पढ़ना बड़ा जरूरी है कि वो पूछना क्या चाहता है, ये जब तक नहीं पूछ देखोगे ना अच्छे से, या ये आदत नहीं डालोगे ना जब तक, तब तक सिली मार्क्स सिली मिस्टेक्स सॉरी सिली मिस्टेक्स होते रहेंगे और मार्क्स आपके ऐसे ही कटते रहेंगे। सवाल पूछा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, बात ही खत्म होगी सर, डज नॉट फॉलो पूछा है उसने कि कौन सा फॉलो नहीं करता है, ठीक है सर। तो ऑल ए आर डब्ल्यू का डायग्राम बना दिया, ऑल वी आर ए का डायग्राम बना दिया, सम ए आर जे का डायग्राम बना दिया, ओनली अ फ्यू एच आर जे का डायग्राम बना दिया, और ये अपना वेन डायग्राम कंप्लीट। अब कुछ बच्चे ऐसे मुझसे पूछते हैं कि सर वेन डायग्राम बनाना जरूरी है, हमेशा जरूरी है, वेन डायग्राम जब तक बनाना नहीं सीख रहे हो तब तक आप लोगों के सिलोजिज्म की कंसेप्ट ही क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेन डायग्राम बनाओ ही बनाओ, ठीक है। अब सर कंक्लूजन क्या है, पहला सम जे आर वी, याद रखिएगा डज नॉट फॉलो चाहता है, वो फॉलो नहीं चाहता। सम जे आर वी का मतलब क्या हुआ सर, जे का क्या कुछ हिस्सा वी में है, ऐसा कोई रिलेशन है क्या, नहीं सर ऐसा कोई रिलेशन हमारे लिए नहीं है, तो ये आपका फॉलो नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल सर। अच्छा सेकेंड नंबर है सम एच कैन बी ए, मतलब सर पॉसिबिलिटी बोलिए कि एच का कुछ हिस्सा ए में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है यार, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ना है। अब एच का थोड़ा सा पोर्शन उठा के मैं ए के अंदर रख दूं तो उससे किसी को प्रॉब्लम होगी क्या, कोई स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है या पहले से ये बात सच हो, नहीं सर पहले से ये बात सच भी नहीं है, और ऐसा करने पे कोई स्टेटमेंट भी वायलेट नहीं हो रहा, तो सर ये तो आप बड़े आराम से रख दोगे तो ये तो फॉलो कर जाएगा। अच्छा, पर हमें सर फॉलो नहीं चाहिए था, हमें डज नॉट फॉलो चाहिए था। अब नंबर थर्ड है सर नो एच इज वी, कोई भी एच वी नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ एच और वी में ऐसा कोई रिलेशन, एच और वी में ऐसा कोई रिलेशन है क्या, नहीं सर एच और वी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर ये कैसे फॉलो कर जाएगा, दिस डज नॉट फॉलो, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो सर कौन कौन से थे जो फॉलो नहीं कर रहे थे सर, फर्स्ट और थर्ड, ये जिन्होंने आंसर दिया ना उनको एक मार्क मिल गए, जिन्होंने ये सेकेंड वाला आंसर दिया था कि सर सेकेंड है आंसर, उसको मिल गए -0.25, डन। चल ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से याद रखिएगा एक मार्क का वेटेज है, सही करने पे एक नंबर मिलेगा, गलत नंबर गलत करने पे 0.25, ठीक है जी, बनाइए। डज नॉट फॉलो के अंदर सब कुछ आता है अनुभव, जो फॉलो नहीं है ना, फॉलो को छोड़ के बाकी सब डज नॉट फॉलो, अगर वो सही नहीं है ना, ट्रू नहीं है ना, तो वो सारी की सारी चीजें डज नॉट फॉलो के अंदर है, तो डाउटफुल और डेफिनेट फॉल्स दोनों डज नॉट फॉलो में आते हैं। चलो जी एक बार जल्दी से बना लेते हैं, ऑल चेरी आर एप्पल, चेरी पूरा इन्होंने एप्पल के अंदर रखा, नो चेरी इज पपाया, बता दिया कि भैया चेरी का कोई हिस्सा पपाया में नहीं जाएगा,
नो कीवी इज एप्पल बता दिया कि कोई भी कीवी का जो पोर्शन है वो एप्पल में नहीं जाएगा। फिर बोल दिया कि ओनली अ फ्यू पपाया आर बनाना, तो पपाया का कुछ हिस्सा बनाना में है, कुछ हिस्सा बनाना में नहीं है। अब फॉलोज पूछा था सर सवाल कि कौन सा फॉलो करता है, तो पहला कंक्लूजन चेक किया, नो चेरी इज कीवी, चेरी और कीवी में क्या नो का रिलेशन है क्या? बिल्कुल सर 100% है। अब चेरी पूरा का पूरा एप्पल के अंदर ही तो बैठा है, एप्पल और कीवी में अगर नो का रिलेशन है तो चेरी और कीवी में भी तो नो का रिलेशन हो गया, तो सर ये तो फॉलो कर गया। अब सेकंड है सर कैन बी, कैन बी मतलब सर संभावना, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि कीवी का कुछ पोर्शन क्या मैं बनाना में रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख दो यार, कीवी और बनाना में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, पॉसिबिलिटी तो चाहते हो, डेफिनेट रिलेशन थोड़ा ना मांगा, तो कीवी का कुछ पोर्शन बिल्कुल बनाना में रख दो, चाहे तो पूरा का पूरा भी रख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सर ये तो बिल्कुल बन जाएगा। अब नंबर थर्ड है सर, फिर से कैन बी माने पॉसिबिलिटी संभावना, कुछ एप्पल का पोर्शन क्या पपाया में जा सकता है क्या? हाँ जी सर, कुछ पोर्शन जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एप्पल का कुछ पोर्शन आप चाहो तो पपाया में रख सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि ये चेरी वाला पोर्शन ना आ जाए यार, क्योंकि चेरी और पपाया में नो का रिलेशन है, तो ये चेरी वाला मत लेके जाना, पर इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है ना चेरी के अलावा एप्पल का, वो आप पपाया के अंदर लेके जा सकते हो, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी हो गया सर, तो सारे फॉलो हो गए करेक्ट आंसर, और ऑल जिन्होंने दिया उनको कितने मिल गए? एक नंबर मिल गए, बात ही खत्म। अच्छा जी अगला सवाल, 1 मार्क -0.25 गलत देने पे, स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको पता है, नए कंक्लूजन आए हैं, स्टेटमेंट वही पुराने वाला है बट कंक्लूजन्स नहीं है, तो अच्छे से देख लेना। हाँ जी चेक कर लें एक बार सर, सवाल देखो सबसे पहले तो क्या पूछा है, फॉलोज पूछा है सर, फॉलोज पूछा है, ठीक है सर। पहला कंक्लूजन सम डब्ल्यू आर वी, डब्ल्यू का कुछ हिस्सा क्या वी है क्या? बिल्कुल सही बात है सर, डब्ल्यू का बिल्कुल कुछ हिस्सा वी के, वी पूरा का पूरा डब्ल्यू के अंदर बैठा है तो डब्ल्यू का कुछ हिस्सा तो वी होगा ही होगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। अच्छा जी बिल्कुल डन। सेकेंड नंबर है सर सम एच आर नॉट जे, एच का कुछ हिस्सा ऐसा है जो जे नहीं है, अब ये बात सच है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल सर 100%, ओनली अ फ्यू का आपने रिलेशन बताया एच और जे में, तो सम नॉट का रिलेशन तो ट्रू होगा ही होगा ना, तो वो तो ठीक है सर, सीधा स्टेटमेंट से पता चल रहा है, नो एच इज डब्ल्यू, एच और डब्ल्यू में क्या नो का रिलेशन? नहीं सर, एच और डब्ल्यू में कोई ऐसा नो का रिलेशन नहीं है, एक्चुअल में नो का रिलेशन कहीं पर है ही नहीं सर, ऊपर ऊपर स्टेटमेंट में किसी के बीच में नो का रिलेशन है ही नहीं, तो एच और डब्ल्यू में भी कैसे आ जाएगा? ठीक है, एच और डब्ल्यू में तो कोई रिलेशन ही नहीं है सर एक्चुअल में हमारे पास, तो ये फॉलो नहीं करेगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, और इसी के साथ आपको एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और मुझसे कोई सवाल मत पूछना अभी, ठीक है जी, मुझसे अभी कोई सवाल मत पूछना, अच्छे से सवाल पढ़ना, अटेम्प्ट करना, उसके बाद मैं सब समझा दूंगा, अटेम्प्ट करो बस, आंसर बताओ। पता नहीं जनार्दन, इसका मेरे को तो आइडिया नहीं है, हाँ जी गाइस आप लोग करो अटेम्प्ट, स्टेटमेंट क्योंकि पुराने वाला है तो मैं एक बार वेन डायग्राम बना के छोड़ रहा हूँ, ये पुराने वाला ही स्टेटमेंट है अपना, तो एक बार मैं वेन डायग्राम बना के छोड़ रहा हूँ, ऑल चेरी क्या है एप्पल के अंदर बैठे हैं, ठीक है सर, नो चेरी आपका पपाया बता रखा था पहले अगर याद हो तो, ठीक है सर, कोई भी एप्पल कीवी नहीं है ये भी आपको पहले बता रखा था, ठीक है सर, ओनली अ फ्यू पपाया आर बनाना, सम पपाया बनाना, सम पपाया नॉट, यही वेन डायग्राम है। अब थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, अब इसका मतलब क्या होता है कोई बताएगा कि मुझे, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का मतलब क्या होता है, क्योंकि इस लैंग्वेज का इस्तेमाल ऑलरेडी कर किया जा चुका है एग्जाम, एग्जाम में ऑलरेडी ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा चुका है, आई थिंक NIACL के एग्जाम में पूछा गया था, NIACL के शायद जो NICLAO का जो मेंस का जो पेपर हुआ था ना पिछले साल, उसमें ये सवाल इस तरह का था, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, इसका मतलब है कि सर हमें फिगर आउट करना है
डेफिनेट फॉल्स वाला, मतलब डाउटफुल वाला भी नहीं चलेगा, हमें चाहिए डेफिनेट फॉल्स। ये बात क्लियर है? ठीक है सर, डेफिनेट फॉल्स की अगर बात हो रही है तो आप अच्छे से समझते हैं कैसे बनाना है। सर सारे के सारा सारे बनाना क्या एप्पल हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी सेंस में बताना है कि बनाना अगर मैं पूरा का पूरा उठा के एप्पल के अंदर रख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये तो फॉलो कर गया, ये तो ट्रू हो गया ना, ये तो फॉलो कर गया सर, दिस इज ट्रू, ये तो बिल्कुल फॉलो कर गया सर, ये बात तो ठीक है। चलो सेकेंड नंबर है, ऑल पपाया कैन बी बनाना पॉसिबिलिटी, पपाया पूरा का पूरा उठा के बनाना के अंदर रखने की संभावना है क्या? कोई संभावना नहीं है गाइस, आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से सिर्फ ये एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी ये कमेंट मत कीजिएगा क्लास में कि इस लेवल का रखो उस लेवल का रखो। अगर मेरी क्लास अटेंड करने का आपने डिसाइड किया है या आपने फाइनल किया है कि ये 5 वीक का प्रोग्राम अपने फॉलो करेंगे, तो आपको बस मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखना पड़ेगा। ये सब अगर आप करोगे तो फिर इससे मेरा मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ यार लेवल के बारे में कोई कमेंट मत कीजिएगा। अगर आप चाहो तो क्लास के बाद सभी सवाल के लेवल्स भी मैं बता दूंगा, कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? प्लीज़ गैस, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फिर से सर, पूरा का पूरा पपाया क्या बनाना हो सकता है? नहीं हो सकता सर, पपाया और बनाना में तो ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता। ये बोलना चाहते हैं आप कि सर कभी कोई सिनेरियो में ये बात पॉसिबल ही नहीं है? सर अगर पॉसिबल ही नहीं है तो सर क्या ये बात डेफिनेटली फॉल्स हो जाती है? डेफिनेट फॉल्स का वैसे मतलब क्या होता है सर? डेफिनेट फॉल्स का सर मतलब होता है कि ये किसी सिनेरियो में भी पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर आप इसका पॉसिबल केस बनाओगे ना, पॉसिबिलिटी भी अगर आप बनाने की कोशिश करोगे ना, तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं बन पाएगा, वो पॉसिबल एक भी इसका केस नहीं बन पाएगा। तो सर वही तो यहां पर हुआ, हम इसकी ऑल पपाया कैन भी बनाना पॉसिबिलिटी तो चेक कर रहे थे, पॉसिबिलिटी भी नहीं बन पा रही, और जब पॉसिबिलिटी भी ना बन पाए ना तो वो चीज बन जाती है आपकी डेफिनेट फॉल्स, ठीक है जी। अब नंबर थर्ड पे आ जाते हैं एक बार जल्दी से चेक करें, नो चेरी इज बनाना, कोई भी चेरी ऐसा नहीं है जो क्या है बनाना है। तो मुझे एक बात बताइए, चेरी और बनाना के बीच में क्या कोई डेफिनेट रिलेशन है क्या? चेरी और बनाना के बीच में कोई ऐसा डेफिनेट रिलेशन है? सर ऐसा डेफिनेट रिलेशन तो नहीं दिख रहा मुझे कि चेरी और बनाना में नो का बन रहा है, बट मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही सर, मुझे लग रहा है कि ये फॉलो तो नहीं करेगा, ये बात तो सच है, नो चेरी इज बनाना फॉलो तो नहीं करेगा, ये बात तो सच है, बट ये डेफिनेट फॉल्स होगा कि नहीं होगा ये मैं कैसे चेक करूं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसकी क्या चेक कर लो सर, इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर लो। क्या कर लो इसकी सर? इसकी आप पॉसिबिलिटी चेक कर लो। तो नो चेरी इज बनाना की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? नो चेरी इज बनाना की अगर मैं पॉसिबिलिटी चेक करूं तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? बिल्कुल सर, पॉसिबिलिटी तो बन जाएगी। अगर सर पॉसिबिलिटी बन गई तो फिर उसे डेफिनेट फॉल्स बोलेंगे क्या? नहीं सर, आपने तो बोला था कि डेफिनेट फॉल्स वो कंक्लूजन होगा जिसका पॉसिबल केस भी नहीं बन सकता, जिसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकती, हमारे वाले कंक्लूजन की तो सर पॉसिबिलिटी बन गई, तो फिर सर इसको क्या बोलेंगे? इसको डेफिनेट फॉल्स नहीं बोलेंगे तो इसे क्या बोला जाएगा? इसको हम बोलेंगे डाउटफुल। इसको क्या बोला जाएगा? इसको डाउटफुल बोला जाता है, ये डेफिनेट फॉल्स नहीं होता। तो सर आपने तो डेफिनेट फॉल्स पूछा था, तो डेफिनेट फॉल्स सर एक ही कंक्लूजन आ रहा है नंबर सेकंड, जिन्होंने ये आंसर दिया है उनको 1 मार्क मिल जाएगा, उनको क्या मिल जाएगा? 1 मार्क का वेटेज मिल जाएगा। डन, चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मार्क का वेटेज है गलत करने पे -0.25, ठीक है जी, जल्दी से कर।
अब क्लियर है क्या गाइज? अब क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, अब क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब अपने को डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, मतलब डेफिनेट फॉल्स अपने को फिगर आउट करना है। वेन डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया, ये तो आपने भी बना दिया होगा, है ना? अब बारी है कंक्लूजन की। पहला कंक्लूजन है सर, नो येलो इज पिंक। अब मुझे एक बात बताइए, येलो और पिंक में क्या नो का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? कि एक बार क्लियर कर दीजिए। नहीं सर, येलो और पिंक में, ग्रीन और पिंक में जरूर दिखाई दे रहा है, बट येलो और पिंक में नो का रिलेशन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है जी, अब ये डेफिनेट फॉल्स है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? सर, इसकी पॉसिबिलिटी बनाने से, इसका पॉसिबल केस बना सकते हैं क्या कि नो येलो इज पिंक इज अ पॉसिबिलिटी? क्या ये पॉसिबल केस बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है सर, क्यों नहीं बन सकता? ऑलरेडी ट्रू है, नहीं बनाएंगे तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट या कोई स्टेटमेंट इन जनरल वॉलिड नहीं हो रहा, तो पॉसिबिलिटी तो बन गई। अब सर, पॉसिबिलिटी अगर बन गई तो उसे डेफिनेट फॉल्स कैसे बोल दें? तो सर ये क्या हो जाएगा? सर ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑल पिंक आर येलो, सारे के सारे पिंक क्या हैं? येलो हैं। क्या सारे के सारे पिंक आपको येलो दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर, दिखाई तो नहीं दे रहे, ये बात आपकी मानते हैं, बट सर डेफिनेट फॉल्स तो तभी होगा ना जब पॉसिबिलिटी भी ना बन पाए। तो पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? पिंक पूरा का पूरा उठा के येलो के अंदर रख सकता हूं क्या? एक बार जल्दी से बता दो। बिल्कुल सर रख सकते हो, ग्रीन से दूर रखिएगा, बस ग्रीन से दूर रखिएगा, बाकी जगह पर जो येलो की बची हुई है वहां पर पिंक को रख सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी तो बन गई। अब पॉसिबिलिटी बन गई तो फिर सर डेफिनेट फॉल्स थोड़ी ना बोलेंगे, फिर तो डाउटफुल बोलेंगे। अच्छा जी, नंबर थर्ड है सर, पॉसिबिलिटी पूछ लिया इसने सीधा कि व्हाइट का कुछ हिस्सा पिंक में जा सकता है क्या? नहीं सर, ये नहीं कर सकते सर आप, क्योंकि ग्रीन और पिंक में नो का रिलेशन है, और ये जो व्हाइट है ना, पूरा का पूरा ग्रीन का ही तो हिस्सा है। तो बेसिकली व्हाइट और पिंक में भी क्या हो गया? नो का रिलेशन। अब व्हाइट और पिंक में अगर नो का रिलेशन है तो सम की पॉसिबिलिटी कैसे बना दोगे यार? सम की पॉसिबिलिटी कैसे बना दोगे? नहीं बना पाएंगे। अब पॉसिबिलिटी भी ना बन पाए तब क्या बोला जाता है? तब बोला जाता है कि सर ये डेफिनेट फॉल्स है। तो आंसर क्या आ जाएगा? नंबर थर्ड जिन्होंने आंसर दिया है उनको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेट आप लोगों के सामने है, अगला सवाल आप लोगों के सामने है, सभी से रिक्वेस्ट है कंप्लीट करके दीजिएगा। ठीक है जी सर, आई एम फेसिंग इशू इन इनपुट आउटपुट एंड एम3 वीडियोस ऑन हाईएस्ट एस, कुड यू प्लीज प्रोवाइड द लिंक्स ऑफ बेसिक सेशंस ऑफ टेकन बाय यू। ऐसा कोई स्पेसिफिक शुभ मैंने बेसिक लिया नहीं। हाँ, अनअकैडमी प्लस पे जरूर मैंने, पहले जब मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा था तब मैंने मशीन इनपुट आउटपुट थोड़ा सा इजियर लेवल पे भी करवाया था एक दो क्लासेस में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यार इनपुट आउटपुट कैसे मैं बताऊँ, किसी बहुत कम टॉपिक्स का आपका बेसिक होता है, क्योंकि इन जनरल इनका कोई फंडामेंटली नहीं होता है ना? सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि थोड़ा इजियर लेवल पे कर लो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओ, वो एक अलग चीज़ है। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, वैसे वैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यार मुझे ये पैटर्न लगा के देखना है, मुझे ये पैटर्न लगा के देखना है, मुझे ये पैटर्न लगा के, और कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप विद प्रैक्टिस सीखते हो। ठीक है, अच्छा जी गाइज, 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का वेटेज है, आराम से बनाओ आप। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आइडेंटिफाई करो, 3 मार्क्स यहां पर मिलेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छा अटेम्प्ट देना यार, है ना? ऐसी नहीं कि नकली सा अटेम्प्ट दे दिया, 2 सेकंड में सर हार मान ली कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये जो सवाल है ये एक अच्छा सवाल आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया सवाल है, सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। ठीक है जी, और कल को ये अगर सवाल पूछा जाता है ना, कल को ये सवाल पूछा जाता है तो मेरे ख्याल से पीयू मेंस लेवल का क्वेश्चन, कोई पूछ रहा था सर पीयू मेंस लेवल के क्वेश्चन भी रखो। निधि, आई होप आप अब भी बेटा क्लास में हो, तो ये पीयू मेंस का ही सवाल रहेगा, बना लीजिए।
गाइस, अब सारी चीजें एकदम क्लियर कट मेंशनड है, आपको आंसर करना है, आपके पास समय है। ऑल्दो जनार्दन ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी इतनी जल्दी निकल। ठीक है, आराम से अपना समय लो और मुझे सही आंसर बताना। ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स का मैंने यहाँ पर 3 मार्क्स का मैंने यहाँ पर वेटेज रखा है। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन पे फोकस करें अच्छे से। गाइज, बना लिया क्या आप सभी ने? अरे लिजिट किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा? अब वो ज्वाइनिंग नहीं आई क्या IBPSPO वाली? IBPSPO में हो गया था ना आपका, तो अब आगे किसका कर रहे हो? नहीं बन रहा। चलो स्टार्ट करें फिर, क्वेश्चन सभी ने अटेम्प्ट कर लिया हो तो देखें एक बार, समझे पैटर्न को। चलो लेट्स स्टार्ट एक बार जल्दी से सर। सबसे पहले तो पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि पूरा का पूरा गेम वहीं पर है सर। अच्छा, अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार क्या क्या चीज़ें दे रखी है सर। हमें एक इनपुट दे रखा है, इनपुट के अंदर अपने को न्यू सैलरी स्ट्रक्चर करके कुछ दिया है और आगे उसके कुछ कोड्स लिख रखे हैं। ऐसा ही सर एक और सेंटेंस दिया है, ऐसा ही तीसरा सेंटेंस भी दिया है। तीसरे सेंटेंस में बोला गया है मस्ट फॉलो सजेशन, और उसके आगे कोड नहीं दिया, उसके बजाय ABC करके दे दिया और नीचे नोट में समझाया कि भाई ये ABC का मतलब क्या है। ABC रिप्रेजेंट्स द कोड ऑफ मस्ट फॉलो सजेशन रेस्पेक्टिवली। अब ये रेस्पेक्टिवली क्या रिप्रेजेंट करता है यार? सर रेस्पेक्टिवली मतलब ये मस्ट का कोड ए होगा, फॉलो का कोड बी होगा और सजेशन का सी होगा। मैं तो यही समझ रहा हूं इससे। ABC ये तीन अपने रेस्पेक्टिवली मतलब इसी ऑर्डर में होंगे, ए मस्ट का, बी फॉलो का, सी सजेशन का। अब नीचे क्वेश्चन दे दी, मतलब और कुछ मेहनत नहीं है, मेनली अपने को पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना है। तो क्या लगता है यार क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए? एक बार जल्दी से फटाफट से बता दीजिएगा क्या सेटिंग की जाए। सर सबसे पहले तो आप कोड सी देख लो ना, जैसे कि आप इन न्यू सैलरी स्ट्रक्चर है, न्यू सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे छोटा आपको न्यू वर्ड मिल रहा है, एग्री करोगे? सबसे छोटा वर्ड कौन सा है? न्यू। अब न्यू का कोड अपना क्या दे रखा है सर? 17V करके कोड दे रखा है। ठीक है जी, अब ये 17 अगर नंबर निकालना है, न्यू में क्या है, कोई नंबर है क्या? सर सिर्फ लेटर्स है। लेटर से नंबर कैसे बनाए जाए? सर दो तरीके होते हैं लेटर से नंबर बनाने के। या तो नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पे कुछ करो, या फिर अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू के सेंस में कुछ करो, या उन दोनों की कॉम्बिनेशन से भी आप कर सकते हो, है ना, कि नंबर ऑफ लेटर्स का भी कुछ आए और अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू, उनको जोड़ के भी कुछ ना कुछ बन जाता है। तो ठीक है, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू एक बार देखते हैं। इसका अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू कितना है भाई? इसका सर 14 है, इसका सर 5 है, और इसका कितना है सर? 23। अब सर 17 का 14 से तो रिलेशन मुझे दिख रहा है, 17 का 14 से रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि पहले लेटर का अपने ने सबसे पहले देखा,
14 और 17 में कितने का फर्क आ रहा है गाइज, एक बार बताना। सर 3 का फर्क आ रहा है, पर ये 3 आएगा कहां से? हेलो गाइज, 14 अपने ने देखा, 14 देखा सर इनका प्लेस वैल्यू, और आगे सर ये 17 लिखा है। इन दोनों को कंपेयर करें तो 3 का अंतर आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 3 कहां से निकाला जाएगा इसके बारे में सोचोगे तो ये पता चल जाएगा, इसके बारे में सोचोगे तो पता चल जाएगा। हां सर बिल्कुल पता चल जाएगा। कैसे सर? आपने कहा था ना कि सर लेटर से नंबर निकालने के दो तरीके होते हैं, क्या क्या सर? एक तो अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू होता है, और दूसरा क्या होता है? नंबर ऑफ लेटर्स होता है। न्यू में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? सर न्यू में नंबर ऑफ लेटर्स 3 ही तो है, न्यू में नंबर ऑफ लेटर्स 3 ही तो है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट लेटर का प्लेस वैल्यू उसके नंबर ऑफ लेटर्स में मैं जोड़ दूं तो उससे 17 आ रहा हूं? हेलो क्या बोलते हो? उससे अपने पास ये 17 आ गया। अच्छा इसको कंफर्म कर लेते हैं यार, बाकी जगहों पर अपने आप सब क्लियर हो जाए, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। जैसे सैलरी का देख लेते हैं फटाफट, सैलरी का देख लेते हैं। सैलरी का क्या निकाला है? 31OZ यही निकाला है। अच्छा सर एस का क्या था? सर 19 था। अब 19 में 1 2 3 4 5 6, 19 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा, 19 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो 25 आएगा सर, 31 तो नहीं आ रहा। अच्छा फर्स्ट लेटर का प्लेस वैल्यू 19 है। अब नेक्स्ट अगर किसी का प्लेस वैल्यू देखें तो आप किसका देखोगे? आपसे मैं एकदम स्टैंडर्ड सा सवाल पूछ रहा हूं कि भैया आपने फर्स्ट का प्लेस वैल्यू लिखा, उससे पैटर्न वगैरह कुछ बैठ नहीं पा रहा, तो इसके बाद आप नेक्स्ट प्लेस वैल्यू किसका देखोगे? मेरे को एक बार जल्दी से बताओ। सर मैं नेक्स्ट प्लेस वैल्यू सेकेंड लेटर का नहीं देखूंगा, मैं पसंद करूंगा कि मैं एक बार लास्ट लेटर का पहले देखूं। मैं सेकेंड वाले पर भी जाऊंगा, सेकेंड लास्ट वाले पर भी जाऊंगा, बट सेकेंड पे जाने से पहले सर मैं लास्ट पे जाऊंगा। अब लास्ट का जब मैंने 25 देखा ना यार, 25 और 31 में कितने का अंतर है भाई? सर 6 का अंतर है। ये 6 का अंतर तो सर मैं जानता हूं, ये 6 जो है ना ये कैसे कवर करना है ये मैं जानता हूं। कैसे सर? नंबर ऑफ लेटर्स है। तो यहां पर सर थोड़ा सा लग हुआ, इसने लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू लिया और उसमें नंबर ऑफ लेटर्स जोड़ा, ऐसा क्यों किया यार इसने? उससे इसने 31 निकाला, ऐसा क्यों किया? कोई ऐसा क्यों किया इसने? पहले वाले में फर्स्ट से किया था, सेकंड वाले ये सैलरी वाले में लास्ट वाले से किया, ऐसा क्यों? क्या अंतर क्या था? सर यहां पर आपने 3 का ऐड किया था, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स कितना था सर? नंबर ऑफ लेटर्स सर 3 था यहां पर, और यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स कितना था सर? यहां पे नंबर ऑफ लेटर 6 था। 3 और 6 में एक बेसिक डिफरेंस है सर, 3 और 6 में एक बेसिक डिफरेंस है। क्या है सर? सर 3 एक ऑड नंबर है और 6 एक इवन नंबर है, और ऑड और इवन के बेसिस में डिफरेंट पैटर्न्स तो सर सदियों से चले आ रहे हैं, जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन तब से चला आ रहा है सर, कि ऑड के लिए अलग यूज करते हैं बहुत बार, कि इवन के लिए हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं, बट बहुत बार सर ये कॉमन चीज है, कोई नई फाइंडिंग्स नहीं है। तो हो सकता है कि सर अगर नंबर ऑफ लेटर्स आपका ऑड हो तो ये कर लो, नंबर ऑफ लेटर्स इवन हो तो ये कर लो। अब इसका पता तो सर स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा, स्ट्रक्चर ही कंफर्म कर पाएगा इस बात को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब सर ऑड है, इसका मतलब पहला लिया जाएगा। एस का कितना होता है मेरे भाई? सर एस का होता है 19, 19 में 9 जोड़ूं तो कितना आता है? 28। क्या आगे 28 लिखा हुआ है? क्या डन है सर 28। अब आप बाकी जगहों पे इवन का भी नीचे से कंफर्म कर सकते हो चाहो तो, बाकी जरूरत पड़ेगी ना ESIC से आप कंफर्म कर लेना। सी का 3 आ रहा है, 4 + 3 7 यहां पर बन जाएगा, तो इवन का भी कर डन है कि एक बार बता दीजिएगा। अच्छा सर ये तो हमने कर लिया, ये तो हमें पता चल गया, बट अब ये जो आपके लेटर्स है ना ये कैसे आ रहे हैं सर? ये समझ नहीं आ, ये भी अभी अपने फिगर आउट करेंगे, मत टेंशन लो। सर यहां पर एक ही लेटर लिखा है, यहां पर दो लेटर लिख दिए यहां पर। अच्छा सबसे पहले वी बताओ यार, ये न्यू से वी कैसे निकाला जाएगा ये बताओ। तो सर सीधी नजर मेरी एक चीज पे गई, ये वी की जब आपने इस न्यू वर्ड के साथ कंपैरिजन किया ना, तो देखते ही जो मेरी नजर सबसे पहले लेटर पे गई ना सर, वो ई पे गई। क्यों भाई? ई पे क्यों गई? एन और डब्ल्यू पे क्यों नहीं गई? क्योंकि सर ई का बिल्कुल रिवर्स यहां पर क्या बोला गया है, ई का बिल्कुल रिवर्स वी सर आपका यहां पर दिया हुआ। और जब भी किसी चीज का अपोजिट या रिवर्स लेटर दिखता है ना, तो सबसे पहले नजर सर उसी पे जाती है। अच्छा जी, अब जैसे कि अपने यहां पर भी स्ट्रक्चर में भी सिंगल दिया तो इधर भी अपने सिंगल फिगर आउट करते हैं। एक्स किसका रिवर्स आ रहा है? सर सी का रिवर्स है। ये सी कहां पर है सर?
ये सी और ई दोनों में क्या कॉमन है यार, वोवल कंसोनेंट का तो नहीं है, पोजिशन भी देखो तो ये सेकेंड नंबर पे या लास्ट से सेकेंड पे, ये वैसा भी नहीं है सर। थोड़ा सा और कुछ भी देखो ना सर, सी की अगर आप पोजिशन देखो ना तो इसके लेफ्ट और राइट में बराबर नंबर ऑफ लेटर्स है। बोलने का अर्थ क्या है सर? बोलने का अर्थ है कि सर ये सी की पोजिशन बिल्कुल मिडल में, उसी प्रकार ई की भी तो पोजिशन बिल्कुल मिडल में ही आई थी। अच्छा जी, मतलब बिल्कुल मिडल वाले लेटर को ले रहे हैं और उसका बिल्कुल रिवर्स लिख दे रहे हैं। चलो यार ये बात तो ठीक है। अब ये मिडल वाले से सर सैलरी के अंदर दो लेटर आए ये भी समझ आ गया, सैलरी के अंदर दो लेटर्स क्यों आए ये भी समझ आ गया। क्यों सर कैसे? अरे भाई स्ट्रक्चर में ऑड नंबर ऑफ लेटर्स थे तो एक ही मिडल मिलेगा, न्यू में भी ऑड नंबर ऑफ लेटर्स थे तो एक ही मिडल मिलेगा, बट सर जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स इवन आएंगे तो वहां पर एक मिडल थोड़ा ना मिलेगा, कितने मिडल मिलेंगे सर? वहां पर दो दो मिडल मिलेंगे ना, और इसीलिए तो आपके दो आए होंगे। चलो चेक कर लेते हैं अपनी थी अब थ्योरी है, थ्योरी को अभी देखते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि सर इनका मिडल कौन है। एक तो एल है और एक ए है, एल का बिल्कुल रिवर्स क्या होता है? ओ। ए का बिल्कुल रिवर्स क्या होता है? जेड। डन सर, बिल्कुल डन सर, अब आप बाकी जगह कंफर्म कर सकते हो। तो चलिए अब अपने फटाफट से बना लें इसको। पहला क्वेश्चन सर, व्हाट इज द सम ऑफ द अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज ऑफ द लेटर्स ऑफ ए। तो सबसे पहले तो मुझे ए फिगर आउट करने दो। ए मतलब जो मस्ट का कोड है, मस्ट में कितने हैं सर? इवन है। इवन का मतलब लास्ट वाला प्लस नंबर ऑफ लेटर्स, तो 24 आ गया, चार नंबर ऑफ लेटर्स है, 20 इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है सर, दो दो आपके मिडल लेटर्स आ जाएंगे यू और एस, इनका रिवर्स लिख लो। यू का रिवर्स एफ, एस का रिवर्स कितना आ जाएगा सर? एच आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये तो पूरा का पूरा ए आ गया। अब ये ए नहीं चाहता था, ये चाहता था व्हाट इज द सम ऑफ द अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ए। तो ए के अंदर दो लेटर्स हैं सर, एक तो एफ है जिसका प्लेस वैल्यू 6 है, और दूसरा सर आपका एच है जिसका प्लेस वैल्यू 8 है। इन दोनों का सम अगर करें तो क्या वैल्यू आ जाती है मेरे भाई? सर इसकी वैल्यू आ जाती है 6, 8, 14। तो पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है? 14। ये जिसने आंसर दिया उसको एक नंबर मिल गया, बात ही खत्म। ये जिसने आंसर दिया उसको एक मार्क्स, डन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इन सी। तो सी किसका था सर? सजेशन का। सजेशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 मतलब सर इवन, लास्ट वाला कितना सर? 14। 14 प्लस 10 कितना? 24। तो 24 ये आ गया। दो मिडल आएंगे सर, बिल्कुल सर। कौन कौन से आ जाएंगे आप ही बता दो सर? मिडल आपके ई और एस आ जाएंगे, ई और एस आ जाएंगे, यही आएंगे। ठीक है सर, ई का रिवर्स क्या आ गया? वी। एस का रिवर्स कितना आ जाएगा? एच। यही आएगा क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा। अब सर आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स चाहिए। तो सर डिजिट्स मतलब हमारे नंबर, नंबर सर 24 था, इनका प्रोडक्ट देख लो 2 × 4। डिजिट लेवल पे मल्टीप्लीकेशन है, 2 × 4 कितना आ जाएगा सर? 8 हमारा आंसर। जिसने 8 दिया उसको एक नंबर मिल जाएगा, बात ही खत्म। अच्छा जी अब फाइनल क्वेश्चन पे आ जाओ यार जल्दी से। इफ ऑल द डिजिट्स आर इंक्रीज बाय 1 एंड द लेटर्स आर रिप्लेस बाय इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन बी, then what will be the new B? अच्छा जी, पहले तो पुराना B figure out करें। पुराना B मतलब सर follow का code, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। even आया फिर से, तो ये आपका 23 हो गया। 23 में आपने कितना 6 add करना है, कितना बन जाएगा भाई जल्दी से बता दो? 29 आ जाएगा सर। अब इसके बाद सर आपके मिडल में दो आएंगे, L और L, L और L मिडल लेटर्स। L का रिवर्स सर O है, L का रिवर्स सर O है, तो ये अपना टोटल ये पुराने वाला B बना। अब इसमें सर ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन क्या है? डिजिट में कितना इंक्रीज करना है? एक एक इंक्रीज करना है। तो भैया दो में इंक्रीज एक किया तो कितना आ जाएगा? दो में इंक्रीज किया तो कितना आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। 9 में इंक्रीज किया तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये कितना आ गया मेरे भाई बता दो जल्दी से? सर ये 310 आ। 29 का क्या बन गया सर? 29 का तो 310 बन गया। अब सर क्या करना है? द लेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय इट्स नेक्स्ट लेटर। अब जो लेटर्स है ना आपके ओ और ओ, उसको अगले लेटर में शिफ्ट कर दो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ओ का अगला क्या आता है सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? पी आता है सर। ओ का अगला क्या आता है सर? पी आता है। तो ये रहे सर पीपी, ये आपका नया पी है, ये आपका नया पी है। जिसने ये आंसर दिया उसको भाई मजा आ गया कि नहीं आ गया, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, मजा आया कि नहीं आया सॉल्व करने में? चलो लेट्स मूव ऑन, अगला सेट देखते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट का एक शानदार सेट है आप लोगों के लिए। टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का वेटेज गाइस, ठीक है? 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का वेटेज है। शांति से अटेम्प्ट करो, कोई भी पैटर्न मत बताना यार, बाकी लोगों का खराब होता है ना।
पैटर्न कोई भी नहीं बताएगा, सीधा सीधा आंसर बताना है अपने, आंसर सीधा बताना है, पैटर्न कोई भी नहीं बताएगा। टोटल अपने 4 क्वेश्चंस हैं, नया इनपुट भी, पहले पैटर्न आइडेंटिफाई कर लो, नया इनपुट का इस्तेमाल करके आंसर दे दो मुझे, तो बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है,
हाँ जी गैस दे दिया आप लोगों ने अपना अटेम्प्ट, देखें एक बार सॉल्यूशन देखें फटाफट से कि क्या क्या पैटर्न्स हैं, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर वन से स्टार्ट करते हैं यार। स्टेप नंबर वन बड़ा इजी आसान सा सेट दिख रहा है। तो यार ऊपर क्या दिए हुए हैं अपने को, नंबर सी दे रखे हैं सर। अब सीधा सीधा अगर कंपेयर करें तो 1425 का 58 से अगर कंपेरिजन करें, या फिर 3211 का 32 से करें, 2817 का 148 से करें, 5684 का 2048 से करें, 9362 का 1818 से करें, तो बड़ा सिंपल सा एक आपको पैटर्न दिखाई देता है इसके अंदर। क्या पैटर्न दिखाई देता है कि सर अगर आप सीधा सीधा नंबर्स अगर देखेंगे ना, सीधा सीधा नंबर्स पे जाएंगे, मतलब एज अ 58 इसको चेक करेंगे, एज अ 32 चेक करेंगे, तो इसमें कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं है मतलब सर, यार एक 1425 से ये 58 निकाल रहा है, 3211 से ये 32 निकाल रहा है, ये 5684 से फिर इतना बड़ा नंबर निकाल लिया, इससे इसने थोड़ा छोटा, इससे फिर इतना बड़ा नंबर निकाल लिया, मतलब नंबर के बेसिस पे कोई पैटर्न नहीं है। तो सर पैटर्न फिर किस बेसिस पे, इसका मतलब सर डिजिट लेवल का पैटर्न। अच्छा जी डिजिट लेवल का पैटर्न कैसे, बड़ा सिंपल है। अब डिजिट लेवल पे जैसे ही आप पहुंचे ना कि डिजिट लेवल पे चेक करना है, तो बड़ा आसान हो जाता है। कैसे सर, यार फर्स्ट और लास्ट डिजिट की अगर आप पेयरिंग करें और सेकंड लास्ट की करें, तो बड़ा आराम से दिखता है। कैसे सर, वन और फाइव का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको ये फाइव दिखता है, और फोर और टू का अगर आप ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो आपको सीधा सीधा एट दिख जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सीधा आप फर्स्ट और लास्ट का ही करो, फर्स्ट और सेकेंड से चेक करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। फर्स्ट और लास्ट से जब देखोगे ना, तो इनिशियली देखते ही आपका पैटर्न एकदम क्लियर कट दिखेगा। जैसे कि थ्री और वन का आपने किया तो मल्टीप्लाई करके थ्री आ रहा है, टू इंटू वन किया तो टू आ रहा है, 7 × 2 किया तो 14 आ रहा है, 8 × 1 किया तो 8 आ रहा है, 5 × 4 किया तो क्या आ जाएगा सर, सीधा सीधा 20 आ जाएगा, 6 × 8 करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 48 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसी प्रकार आप आगे का भी चेक करोगे तो पैटर्न एकदम क्लियर कट है। एग्री करेंगे सभी के सभी? बिल्कुल सर। तो ये तो बड़ा आराम से बैठ गया। अब सर स्टेप नंबर टू की बारी आती है। स्टेप नंबर टू में क्या हो रहा है, बड़ा सिंपल है सर। 58 और 32 से ये आई थिंक 46 चाहता है, 32 से 148 से ये 38 चाहता है, 148 और 2048 से 32, एंड सो ऑन सो ऑन। 58 और 32 से ये 46 कैसे आएगा, तो ये अभी अभी अपने ने मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न देखा था, तो ये देखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला जो अपना स्टेप था उसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिजिट्स था। तो नॉर्मल सेंस में सबसे पहले आपका दिमाग जो है ना चीजों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 × 8 का अगर आप मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हो तो ये 40 आता है, और 3 × 2 करते हो तो 6 आता है। अब ये 40 और 6 से 46 कैसे निकालना है, ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बस दोनों को ऐड ही तो करना है। अब इसको आगे चेक किया, 3 × 2 कितना है सर, 6 है, 1 × 4 × 8 कितना है, 32 है, इन दोनों को सर अगर आप ऐड करोगे तो 38 आ जाएगा। अब इसमें तो सर 0 है, तो इसका तो 0 ही आएगा, तो पीछे बचा हुआ कितना था, 32, 32 प्लस 0 कितना हो जाएगा, वही 32 आ जाएगा। अब ये तो 0 ही है, इसका मतलब सिंपल इसका मल्टीप्लीकेशन है कितना होगा सर, 64, 64 प्लस 0 आपके 64, और इसी तरह से सर 640 भी आ जाए, डन है। तो बेसिकली सर डिजिट का प्रोडक्ट है, और इंडिविजुअली दोनों डिजिट का प्रोडक्ट करने के बाद एडिशन करना है, दोनों को जोड़ना है, डन गाइस। अब स्टेप नंबर थ्री पे आ जाते हैं सर। स्टेप नंबर थ्री में क्या हुआ है ये बताओ मुझे। 46 से सर 34 कम वैल्यू है, 38 से 35 भी सर कम वैल्यू निकाली है इसने, 32 से 11 सर काफ़ी कम हो गया, 64 से 34 सर काफ़ी कम हो गया, और 640 से भी कम हो गया, 10 तक ही गया, मतलब कोई नंबर के अंदर सर कोई नहीं है। इसका मतलब सर नंबर पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो डिजिट लेवल पे ऑपरेशन सोचे, डिजिट लेवल पे ऑपरेशन सोचे। अब डिजिट लेवल पे जब ऑपरेशन अपने सोचते हैं, तो सबसे पहले तो सर यही आता है कि सम ऑफ द डिजिट्स करके देख लो। अब यार इनका सम ऑफ द डिजिट्स कितना देता है मुझे ये बताओ, 4 + 6 अगर करें तो कितना आएगा, 10, बट सर हमारे पास तो 34 है। चलो सम ऑफ द डिजिट्स मत करो, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स करके देख लो, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स करते हो तो कितना आता है सर, 24 आता है, पर सर हमारे पास 24 भी तो नहीं है। ऑल दो सर हमें 24 नहीं चाहिए था, हमें 10 भी नहीं चाहिए था, बट इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो हमें ये 34 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इंडिविजुअली सम ऑफ द डिजिट्स नहीं चाहिए था, इंडिविजुअली प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स भी नहीं चाहिए था, बट इन दोनों का अगर एडिशन कर दें तो हमें हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा। अच्छा इस थ्योरी को एक बार सर क्रॉस कंफर्म कर लो, 3 और 8 के साथ 11 आ जाएगा, 3 × 8 = 24 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ें तो 35 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 + 2 करें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 × 2 करें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा।
तो बेसिकली यार सम ऑफ द डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स का क्या है? एडिशन। ठीक है जी, स्टेप नंबर थ्री भी डन, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, 100% डन। अब सर सवाल आता है स्टेप नंबर फोर में, इसमें काफ़ी बच्चों को इश्यू आया और आना भी चाहिए क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टेप था इस पूरे के पूरे पैटर्न का। अब सर हमें क्या दे रखा है, 34 से अगर 1 का हम सोचते हैं तो नॉर्मल माइनस है, 35 से 2 का सोचते हैं तो नॉर्मल माइनस है, 11 से 25 का तो ये सेट नहीं हुआ सर। 34 से 25 सर, व्हाट, 11 से 25 और 34 से भी 25, ये कैसे पॉसिबल है यार? 11 से भी 25 और 34 से भी 25, ये तो मैं नहीं निकाल सकता, कोई कंसिस्टेंसी भी नहीं है नंबर का, तो कोई पैटर्न है ही। एक मिनट, ये सीधा सीधा तो नहीं निकल पा रहा, सीधा सीधा तो कैसे मैं 11 से भी 25, 34 से भी 25 कैसे निकाल, डिजिट लेवल पे सोचो। नहीं सर, इनटू नहीं, ये तो एक तो ज्यादा हो रहा है और एक कम हो रहा है, ये कैसे कर दूंगा एक ही नंबर से ये दोनों करके, या तो फिर अलग अलग कुछ पैटर्न हो, अलग अलग में भी सर ऐसा सच तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा फिर क्या करें सर, फिर एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, कई बार पता है क्या होता है, अच्छे से सुनिएगा, ज्यादातर अपने जब भी पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना यार, जब भी ऑपरेशन होता है, जब भी कोई ऑपरेशन होता है, चाहे आपका मल्टीप्लीकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो वन ऑन वन चेक करते हैं, मतलब 34 का 1 से चेक करना, 35 का 2 से चेक करना, बट हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है ऑपरेशन के अंदर, बट ऐसा भी तो कई बार होता है कि सर ऑपरेशन भी हो रहा हो, ऐसा भी तो कई बार होता है कि कोई ना कोई सर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो रहा है और उसके बाद सर कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, होता है कि नहीं होता है ऐसा? सर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वन ऑन वन सीधा ऑपरेशन हो और उसको उसके जस्ट उसी प्लेस पे लिख दिया जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर आपके कोई ना कोई नंबर पे आपका कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है और उस मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद फिर फर्दर कुछ रीअरेंजमेंट भी कर देते हैं, एग्री करते हैं आप इस बात से? हो सकता है सर ऐसा कुछ हो, क्योंकि सीधा सीधा तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा और सीधा सीधा ये 11 से 25, 34 के 25 के बाद सीधा सीधा बता रही। अच्छा एक मिनट के लिए, तो मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि सर ये 1 मुझे फिगर आउट करना है और ये मैं 34 नहीं बाकी और किसी जगह से मैं 1 निकालना चाहता हूँ, किसी इनमें से किसी और जगह से मैं ये 2 निकालना चाहता हूँ, इनमें से किसी और जगह से मैं ये 25, ये 25 और ये 34 निकालना चाहता हूँ, तो ये कैसे निकल सकता है, तो इसके बारे में मैं सोचता हूँ। जैसे कि 1 से मैंने सोचना स्टार्ट किया, सीधा सर डिजिट के उससे तो नहीं, 35 से 1 का सोचा, सीधा तो कुछ दिखा नहीं सर, सम ऑफ द डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, अब इसके अलावा सर सीधा हाफ करना या ऐसा कुछ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, माइनस करके फिर हाफ, नहीं सर 11 से 1 का सर प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स जरूर दिखाई दे रहा है, बट बाकी जगहों पे ये प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स बात ही नहीं रहेगी क्योंकि 1 इंटू 0 तो 0 आ जाता है, 3 और 4 का ये फिर से फेल। अच्छा एक चीज सर क्लियर हो गई, एक चीज बड़ी क्लियर मिल गई अपने को, क्या मिल गया सर, यार ये दो बार ये 34 आया था और दो बार ये क्या आया सर 35 भी आया, एग्री करते हैं आप, दो बार ही ये 34 आया था और दो बार ही ये 25 भी आया, तो इससे अपने को एक आइडिया लग गया ना कि 34 से 25 निकालने की कोशिश करनी है, 34 से 25 निकालने की कोशिश करनी है, ये एक बेसिक आइडिया लग जाएगा जब अपने ने ये फिगर आउट कर लिया है कि भैया ऑपरेशन कुछ ना कुछ हो रहा है और उसके बाद रीअरेंजमेंट किया जा रहा है, मतलब जो ऊपर वाला स्टेप है उसके जस्ट नीचे उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखा हुआ है, मतलब सीधा ऑपरेशन सीधा नीचे नहीं लिखा हुआ है, तो 34 से 25 वाली बात आई। अब 34 से 25 निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स वैसे ही नहीं बैठेगा, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स अपने को वहां लेके नहीं जाएगा, सम ऑफ द डिजिट्स का एक वेरिएशन आप सभी को याद है ना, बहुत ही कॉमन वेरिएशन है कि डिजिट लेवल पे स्क्वायर करके ऐड करने में, सम ऑफ द स्क्वायर डिजिट्स, इसे क्या बोलते हैं सम ऑफ द स्क्वायर डिजिट्स, बड़ा कॉमन पैटर्न रहता है, ये अपने को सीधा सीधा दे रहा है वो चीज, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है और 16 प्लस 9 25 होता है, ये तो अपने मैथ्स में क्वांट्स में भी तो बहुत बार ये रहता है अपना, बहुत बार रहता है सर, परफेक्ट आपका ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है, तो ये बड़ा आराम से याद रहता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपने को 25 देगा, तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ईजी हो जाता है। अब इसी थ्योरी को सर बाकी जगहों पर चेक करें तो फिट हो रही है क्या, जैसे कि 35 वाले पे की, 35 वाले पे बैठ रही है क्या सर, 3 का स्क्वायर 9, 25 का 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34, ये रहा सर 34, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, ये रहा सर 2,
34 पे 35 तो आ गया, एक का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, ये रहा सर एक, तो सर ये तो पूरा का पूरा बैठ गया। अब सर ये सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रहा था, मतलब सबसे पहले इनमें से कौन से नंबर को इन्होंने सेलेक्ट किया? सबसे पहले सर इन्होंने 10 को सेलेक्ट किया, 10 के बाद किसे सेलेक्ट किया, 10 के बाद सर इसने 11 को सेलेक्ट किया जिससे 2 आया, इसके बाद सर किसे सेलेक्ट किया, इसके बाद सर ये दोनों जो आपके 34 थे इनको सेलेक्ट किया, बिल्कुल सर। फाइनली इसने किसको सेलेक्ट किया, फाइनली सर इसने 35 को सेलेक्ट किया। तो सिलेक्शन का बेसिस क्या था, बड़ा सिंपल बेसिस है सर, लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर। सिलेक्शन का बेसिस लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर, और इन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या लगाया, सम ऑफ स्क्वायर डिजिट्स, सम ऑफ स्क्वायर डिजिट्स। हाँ जी डन है सभी के, एक बार बता दीजिएगा डन। चलो फिर स्टेप नंबर 5 पे आ जाते हैं सर। अब 1 से y निकालना है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग a होता है, a के बिल्कुल रिवर्सर z होता है, और z में मैं माइनस 1 कर दूं तो y आ जाता है। 2 के बिल्कुल करस्पॉन्डिंग क्या होता है, b, b के रिवर्स क्या आता है सर, b के रिवर्स आपका y आता है, y में माइनस 1 करूं तो क्या आ जाएगा, y में माइनस 1 पे तो नहीं आ रहा सर, माइनस 2 आ रहा है, माइनस 2 पे आ रहा है। अच्छा अब इसमें करें तो इसमें तो बड़े बड़े आएंगे 25 34, तो ये इनको एक सिंगल पे लाना पड़ेगा, तो 2 + 5 करो, 2 + 5 एक बार सम ऑफ द डिजिट्स कर लेते हैं, 2 + 5 कितना आ गया, 7 आ गया, 7 के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया सर, 7 के करस्पॉन्डिंग सर आपका जी आ जाता है, जी के बिल्कुल रिवर्स क्या आता है, जी के बिल्कुल रिवर्स सर आपका टी आता है, और टी माइनस 1 करें तो ऐसा आता है। अच्छा जी, और इसका भी वो करो तो ऐसा आ जाएगा, 4 + 3 = 7 आ जाएगा फिर से। पर यार इसमें एक में माइनस 1 एक में माइनस 2 ऐसा क्यों किया, मैं समझा नहीं। अच्छा अच्छा ऑड और इवन, ऑड और इवन, गॉट इट समझ गया मैं, ठीक है, ऑड और इवन का था कि भैया क्या करना है, आपके जो नंबर्स है ना उनको सिंगल में अचीव करना है अपने को, ये जो नंबर्स है ना इनका सम ऑफ द डिजिट्स करो, जो भी हो सकता है सम ऑफ द डिजिट्स करो, इनका जो भी वैल्यू आए ना उसके करस्पॉन्डिंग क्या लिख दो, वो लेटर लिख दो, और उस लेटर की क्या कर दो बिल्कुल रिवर्स, या तो माइनस 1 होगा या फिर रिवर्स माइनस 2 होगा। अब माइनस 1 कब होगा, माइनस 1 तब होगा जब आपका ये जो सम ऑफ द डिजिट्स है ना आपका क्या आ रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स अगर आपका ऑड आ रहा है ना तब आप माइनस 1 कर दो, और सम ऑफ द डिजिट्स इसका जो आया था ना आपका ये अगर इवन आ रहा है तो माइनस 2 कर दो। ओके ओके, ये भी अच्छा पैटर्न है, उतना मुश्किल नहीं है आइडेंटिफाई करना, उतना मुश्किल नहीं है आइडेंटिफाई करना, बट फिगर आउट किया जा सकता है क्योंकि 1 और y का रिलेशन, 2 और w का रिलेशन बड़े आराम से पता चल जाता है, ये 1 और 2 बड़ा इजी कर देता है चीजों को, 1 और 2 ये चीजों को बड़ा इजी कर देता है, क्योंकि 25 25 34 से तो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, पहले कोई 25 25 34 से ये निकालने की कोशिश करे तो नहीं निकल पाएगा, बट 1 और 2 से बड़ा आराम से पता चल जाता है, फिर वो आगे चेक हो जाता है। ठीक है सर, अब मैं इसका पूरा स्टेप लिख दूं क्या आप लोगों के लिए, एक बार जल्दी से बताओ क्या हो गया सर, 27 के हो गया, बैंक में पहले गया, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रहे, इसमें और भी प्रेशर, इसी वजह से स्टडी नहीं कर पा रहा, परेशान है, क्या करें सर प्लीज गाइड। अरे गाइड मैं क्या गाइडेंस, आप क्या लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो यार गाइडेंस का, मुझे ये बताओ आप, ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को खुद को ही फेस करनी है यार, ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही पूछनी है और खुद ही फिगर आउट करना है ये सारी चीज़ें। देखो भाई मेरा इतना मानना है किसी चीज की अगर आप सच में परवाह करते हो ना तो वो चीज आपको मिल जाएगी, मतलब आप वो चीज अचीव कर लेते हो, और बैंक का जॉब अचीव करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करो यार, सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है आपको, सेल्फ इंस्पेक्शन की जरूरत है, तो आप जब तक ये अंदर से फिगर आउट नहीं करोगे ना कि क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं, और क्या मैं अपना जो 100% दे रहा हूं क्या वो सही डायरेक्शन में वो 100% है, ये चीजें आपको सेल्फ इवेल्युएट करनी पड़ती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको 2-2, 3-3 साल हो चुके हैं, आपको इतना टाइम हो चुका है तो आपको तो इनसाइड आउट पता है कि यार क्या प्रिपरेशन होती है, क्या टॉपिक्स होते हैं, मैं कैसी तैयारी कर रहा हूँ कैसी नहीं कर रहा हूँ, तो बेस्ट वही होता है कि आप बाकी आउटसाइड ये चीजें ढूंढे कि मेरी कोई हेल्प कर दे, वो तो उन बच्चों को जरूरत है जिनको कुछ ही टाइम हुआ है प्रिपरेशन, जिनको लंबा टाइम हो चुका है उनको तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हमेशा कि भाई मेरी कमियां कहाँ हैं, मेरे को तो खुद को ही अब पता चल जानी चाहिए, तो ये सवाल आप खुद से पूछो, उसके बारे में सोचो और फिगर आउट करो कि कहां पर प्रॉब्लम आ, कहां पर ये, कहां पे कम पड़ रहे हैं। ठीक है चलो मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूं, एक बार जल्दी से ध्यान दीजिएगा, 21 23 22
33 कैसे आ गया, ये गड़बड़ होगी ना, ये गड़बड़ होगी यहाँ पे, ये क्या कर दिया भाई, एक मिनट, ये तो पूरा स्टेप ये तो पूरा ही चेंज ही हो गया, ये तो अलग ही निकलेगा कुछ, फिर से बनाना पड़ेगा, दूसरा स्टेप का हो गया, ये तो पूरा ही अलग हो गया, ये दूसरा किसी का मिल गया। चलो कोई नहीं, मैं तैयार कर देता हूँ आप लोगों को। 35 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक बार चेक करना, अब ये अपने को खुद को ही बनाना पड़ेगा, खुद को ही बनाना पड़ेगा। अब यार ये आप मुझे बताओ एक बार जल्दी जल्दी कैसे कैसे बैठेगा, ये अब अपने को खुद को ही बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, एक बार जल्दी से बताओ इसका क्या क्या आ जाएगा। ये तो आपका इधर से 90 आ गया, 90 आ गया ना, ये आपका कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये 90 बन गया, ये 0 यहाँ से आया, यहाँ से कितना आ गया, 24 आ गया, तो ये 24 आ गया, ये आपका यहाँ से 0 आ गया, तो ये भी 24 आ गया, यहाँ से 0, ये आपका 12 आ गया, ठीक है, तो ये आपका 12 आ जाएगा, ये आपका 0, तो ये भी 12 आ जाएगा। यही आएगा क्या, कन्फर्म करना एक बार, कंफर्म करना है, यही आएगा कि 90 24 24 12 12। ठीक है सर, अब अगला अपना पैटर्न क्या था, अगला स्टेप नंबर इसके बाद वाला क्या था, सम ऑफ द डिजिट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, प्रोडक्ट तो 0 है, सम 9 9 आ जाएगा, 4 2 8, 8 6 14 14, 2 प्लस 3 5, 5 और 5 आ गया क्या, कंफर्म कर देना एक बार। ठीक है, नंबर चौथा देख लेते हैं एक बार। अब सर इसके बाद ये क्या कमाल करवा रहा था, स्टेप नंबर 4 में प्रोडक्ट ऑफ द, ठीक है ठीक है ठीक है, अब सबसे छोटा इनमें कौन सा है, 5, 5 का कितना आ जाएगा, 25, 5 का कितना आ जाएगा, 25, 9 का कितना आ जाएगा, 81, 16 प्लस 1 17 17, यही बैठ रहेगा एक बार कंफर्म कर देना, यही बैठ रहेगा एक बार कंफर्म कर देना, नंबर 4 वाला, नंबर 5 वे पे आ जाओ। 25 वाले का तो पीछे बना रखा था ना, कितना था 25 वाले का, एस बना रखा था, तो ये दोनों तो एस और एस सीधा हो गया, ये आपका आ गया 9 9, आई आई का अपोजिट आर, आर में एक हटाया, कितना आ गया क्यू, ये आपका क्यू आ जाएगा, 7 7 1 6 6, मतलब इवन 2 माइनस करने पड़ेंगे, अब कितना एच, एच का रिवर्स आपका एस आ जाएगा, एस में 2 माइनस करो क्यू आ जाएगा, ये भी क्यू ये भी क्यू, एक बार कंफर्म कर लेना यार, एक बार कंफर्म कर लेना, एस एस ट्रिपल क्यू आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन जो है ना, इन दोनों का एडिशन 8 बन जाएगा, 8 अपना इवन है, इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 अपना क्या है, इवन, इवन वाले में कितना माइनस 2 करना है, रिवर्स का, रिवर्स का माइनस 2 करना है, तो 8 के करस्पॉन्डिंग अपना क्या आ जाता है, एच, एच के रिवर्स क्या होता है, एस, एस में माइनस 2 करें तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, है ना, चलो डन, चलो लेट्स सी द क्वेश्चन। पहला सवाल अच्छे से सुनिएगा, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 असेंडिंग ऑर्डर में, अच्छा फिर करना क्या है, कर लो ना पहले, ठीक है सर, 0 4 आ गया, फिर आपका 243 आ गया, क्या हो गया असेंडिंग में, ये नहीं करना असेंडिंग में, सिलेक्शन है भाई, मैंने पहले ही बताया था जो सिलेक्शन का ऑर्डर है ना वो ये है, 10 11 34 34 35, ये है भाई कि 10 को मैंने पहले सेलेक्ट किया उसको सेट किया, फिर 11 को किया फिर उसको सेलेक्ट किया, फिर 34 34 को किया उनको सेलेक्ट किया, और फाइनली 35 वाले को किया, ऐसे मैंने यहां पर भी उठाया कि सबसे पहले 5 को उठाया उसका लिखा, फिर ये 5 को उठाया उसको लिखा, फिर 5 के बाद अगला 9 आता है तो उसको लिखा, फिर उसके बाद 14 14 आता है तो उसको लिखा। चलो अब एक बार सवाल कर लें क्या, अगर आप लोगों का हो गया हो तो, 04 243 243 के बाद क्या है, 356 356 के बाद क्या है आपका 18 10, फिर आपका 3 12 6 3 4 0, यही आ रहा है। अच्छा अब इसमें क्या करना है सर, इसमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट राइट एंड, लेफ्ट से सेकंड ये रहा, लेफ्ट से
राइट से सेकंड ये रहा, तो 312 और 243 का सब्ट्रैक्शन अपने को बताना था, और ये कितना आ रहा है अपना 2969, 2969 जो आप में से सभी बच्चों ने आंसर दिया था, तो पहले का 2969 एकदम करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर इन स्टेप नंबर टू। प्रोडक्ट लोएस्ट एंड हाईएस्ट, लोएस्ट तो सर 12 है, हाईएस्ट तो सर आपका 90 है, यही बैठेगा। एक बार जल्दी से बता दो, लोवेस्ट और हाईएस्ट ही बताना था, तो 1080 आ रहा है क्या, 1080 आ रहा है क्या, एक बार कंफर्म कर देना। अच्छा जी, नंबर तीसरा, व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट टू द राइट ऑफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप नंबर थ्री। एक मिनट एक मिनट, राइट लेफ्ट जाना है तो ऐड कर दो, 3 2 5 हो जाएंगे, लेफ्ट एंड से अपने 5 देख लो, लेफ्ट एंड से पांचवा स्टेप नंबर थ्री में, लेफ्ट एंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यही आ जाएगा फिर, है ना, पांचवा आ जाएगा। कैसे सर, देखो सेकंड एलिमेंट टू द राइट ऑफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन, दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ऐड होंगी, कौन कौन सी, सेकंड और थर्ड वाली, सेकंड प्लस थर्ड कितना हो गया, फिफ्थ बन गया। अब फिफ्थ कौन सा एंड दिया हुआ था, लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड का फिफ्थ कौन सा आ जाएगा सर, ये पांचवा ही आ जाएगा लेफ्ट एंड का इधर, ठीक है जी। तो ये अपने तीसरे का आ गया सर 5 आ गया, ठीक है जी। इफ ऑल द लेटर्स इन स्टेप 5 आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, स्टेप नंबर 5 में अगर सारे के सारे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाएंगे। अच्छा जी, तो क्यू 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 एस एस, ये रहा सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन क्या बताना है, देन विच इज द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से फोर्थ एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ एलिमेंट सर ये रहा, एस हो जाएगा, बात ही खत्म, बस चौथे का आंसर आपका एस आ गया, इसी के साथ डन। बट ठीक है, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो सभी के, डन क्या, एक बार कंफर्म कर दो, डन है सभी का। तो मजा आया कि नहीं आया आज के सेशन में, मजा आया तो यार आप लोगों के लिए रिमाइंडर है, अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास है ना, ये 5 हफ्ते का प्रोग्राम है, 5 वीक प्रोग्राम है, नेक्स्ट क्लास अपनी RRBPO प्री 2022 के क्रैश कोर्स पे, आपको पता है नेक्स्ट जो बड़ा नोटिफिकेशन है ना वो RRB का ही आएगा, RRBPO और RRB क्लर्क का आएगा, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रहेगी, शाम को 5 बजे टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, कितने सवाल सर, टोटल 3, 30 को एक। हाँ जी चलो, जाते जाते मैं बता देता हूँ, अब नेक्स्ट क्लास जो है शाम को 5 बजे रहेगी, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, RRBPO प्री 2022 का क्रैश कोर्स, 30 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने अटेम्प्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि भैया प्री के लिए जितनी स्पीड की जरूरत हो ना वो स्पीड अचीव कर सके, बट एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए स्पीड के चक्कर में, तो ये कोशिश अपनी रहेगी, शाम को 5 बजे टाइमर के साथ प्रैक्टिस है, देन इसके बाद अपने रात को 7:30 बजे फिर से मिलेंगे 3 शानदार सेट्स के साथ। किस चीज के सेट होंगे सर, पजल के, कौन से लेवल के सर, मेंस लेवल पजल, मेंस लेवल पजल के 3 सेट अपने रात को 7:30 बजे, बट उससे पहले अपने 5 बजे वाली क्लास में सभी आने चाहिए। पर गाइज एक चीज अच्छे से ध्यान दे लो, अगर आप इन कोर्सेस इन क्लासेस से फायदा चाहते हैं ना, तो 2 दिन अटेंड करके, 3 अटेंड करके, हफ्ते भर अटेंड करके फायदा नहीं है, 5 हफ्ते का अगर प्रोग्राम है ना, तो 5 हफ्ते का ही आपको रेगुलर वे में अटेंड करना है, और जितने भी आपको कोर्सेज यहाँ पर दिख रहे हैं ना वो सभी अपने यूट्यूब चैनल पे है, और कहीं पर भी नहीं, क्योंकि इस 5 हफ्ते में और कहीं पर कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यूट्यूब पे 5 हफ्ते का ये प्रोग्राम है, 5 बजे अब अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी RRBPO प्री 2022 क्रैश कोर्स के साथ, और इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है ना वो जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का नेम है वर्चुअस, टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है, वर्चुअस है सर, तो इससे जरूर जरूर जुड़ जाइए, ठीक है जी। चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।